आज किस प्रकार के कार्यक्रम आज अमेठी आए हुए हैं और इस समय गुंजन सिंह के आवास पर हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं कार्यकर्ताओं को? देख, गुंजन सिंह के आवास पर इसलिए आया हूँ कि इनकी बेटी पार्टी में एक लीडर है और हम सारे लोग मिल करके अब की बार पूरे यूपी में एक परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं कि हमें राज्य में जो सरकार है उसे परिवर्तन करना है, क्योंकि इस सरकार ने कुछ काम नहीं किया और सबसे बड़ी बात पूरी दुनिया में जग हसाई कर दिया। लाशें जो हैं बिना जलाए हुए जमुना और गंगा में बह रही हैं और कुत्ते खा रहे हैं, इससे बुरी बात मैं समझता हूँ कुछ हो नहीं सकती है। लकड़ी नहीं मिल रही शमशान में जलाने के लिए, महंगाई दिन रात बढ़ती जा रही है, जब से आए हर चीज़ का दाम दुगना हो गया है और हमारी हिंदू मुस्लिम की एकता को, हमारी भाईचारगी को ये तोड़ करके सरकार चलाने का कोई विज़न नहीं है। ये जानते नहीं सरकार कैसे चली जाती, अनाड़ी के हाथ में बंदूक आ गई। तो हम लोग अब हमें 5 साल के बाद ये चांस मिल रहा है कि हम इनको हटा दें, तो हमारा ये आंदोलन चल रहा है कि हम सब इस देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, सब मिल करके अब की बार बीजेपी को हटाना है और लाना फिर किसको, जिसने सबसे अच्छा काम किया हो। मैं पूरे यूपी के लोगों से कहता हूँ कि मेरे बोलने पे नहीं, आप खुद चेक कर लो, 1947 से 2012 तक 2017 तक कौन सी पार्टी ने सबसे अच्छा काम किया है, और मेरी गारंटी है कि अगर आप चेक करेंगे, सर्वे करेंगे ना, तो एक नंबर पे समाजवादी पार्टी आएगी। ये हम काम कर रहे हैं।